वन वेलकम टू कारण क्रांत स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जिसमें हमारे दो टॉपिक्स रहते हैं एक आपका डी पी एस पी है एंड एक आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है कोशिश करूंगी इस वीडियो में दोनों टॉपिक्स कवर हो जाए अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं आपके लिए बता दूं मैं इस चैनल पर कोर्सेस लेके आ रही हूँ आपका सुपरवाइजर का ठीक है इसमें हमारा जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है वो ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है उस अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए या आपका जो यूनिट सिक्स है स्कीम्स वाला पार्ट उसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फाइन वहां पे सारे पीडीएफ इस एग्जाम रिलेटेड जो है मैं अपलोड वहां पर करती रहती हूँ ठीक तो हम स्टार्ट करेंगे आज कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जीके का स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली और हिस्ट्री तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं ड्यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं अगर आप मुझे सुपर थैंक्स भेजना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वो हार्ट के अंदर का डॉलर साइन वाला या अगर आप वॉन्टेरली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरी चैनल की तरफ तो आपको मेरा यू पी कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा या आप मेरी चैनल की डिस्क्रिप्शन पर भी मेरा यू पी देख सकते हैं ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट हमारा हो गया बेसिक फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन का वो सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया अब हमारा रहता है डीपीएसपी एंड योर फंडामेंटल ड्यूटीज तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पहले डीपीएसपी से देखो डीपीएसपी होता क्या है अगर इसका बेसिक हम देखें तो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ठीक है पहले इसका फुल फॉर्म ही देख लो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या जरूरत पड़ी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डीपीएसपी एक सेपरेट चैप्टर जो है इंक्लूड करने की कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट है वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब हुआ देखो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द जो कंट्री थी वो पॉवर्टी के अंडर थी ठीक है इलिटरेट थी और कहाँ रहती थी आपके रूरल एरियाज़ में दैट मीन्स आपके विलेजेस में तो उस टाइम पे इंडिया की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो सिर्फ किस पे ध्यान दे वो सिर्फ ट्रेड पे ध्यान दे या बिज़नेस प्रमोट करने की बात करें ठीक है या सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्रॉफिट ओरिएंटेड ऐसी बातें करे तो जो मेजर काम था आपके लीडर्स का वो था इंडिया को इस पॉवर्टी से निकालना लोगों के एजुकेशन पे ध्यान देना लोगों को सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना ठीक है जिसको हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं लोगों का जो वेलफेयर है उस टाइम पे उसके बारे में सोचना तो जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि इंडिया जो है वो एज ए वेलफेयर स्टेट काम करती है ठीक है तो ये इसका बेसिक है अब कुछ फैक्ट्स आप इसके देख लो ये आपको मिलेगा पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इसमें हमें प्रेजेंट है आर्टिकल थर्टी सिक्स टू आर्टिकल फिफ्टी नाइन फिफ्टी वन सॉरी आर्टिकल थर्टी सिक्स टू आर्टिकल फिफ्टी वन किस को लेके हैं आपके डी को लेके तो मैं आपको ये सारे आर्टिकल्स बताऊंगी फिर वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है आप वो याद रखना चाहोगे या नहीं पर एटलीस्ट जो सारे फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी वो आपको याद रखने हैं ठीक है ठीके? तो हमने जो डी है वो कहाँ से बौो किया है कॉन्सेप्ट हमने बौरव किया है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जिसने इन टर्न ये जो डी है खुद ये बौर किया था स्पेनिश से लेकिन हमने कहाँ से किया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया था कॉन्सेप्ट प्लस हमारे पास और एक चीज है एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसका एक डॉक्यूमेंट था जिसको बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन तो वहां से भी कुछ कॉन्सेप्ट जो है कुछ रिजेम्बलेंस है आपको उस जो उस डॉक्यूमेंट का कंटेंट था कुछ रिजेम्बलेंस आपको उसमें देखने को मिलेगी डीपीएसपी के साथ ठीक है तो क्या क्या चीज इससे रिलेटेड है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने खुद ये बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है एंड हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन उसका एक डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ठीक है वहां से भी रिजेंबल करता है हमारा डीपीएसपी तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इसके याद रखने हैं आगे चलते हैं हम इसके फीचर्स देखेंगे चेंज कर लेती इसके फीचर्स ये देखो जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है स्टेट कोई लॉ या पॉलिसी बनाती है तो उसको दिमाग में रखना है वो किस टाइप ऑफ सोसाइटी के लिए बनाती है अगर वो उस सोसाइटी के लिए बनाएगी जो सिर्फ कैपिटलिज्म या बिजनेस प्रॉफिट ऐसी बातें करे तो लॉज भी जो होंगे वो अकॉर्डिंगली होंगे ठीक है लेकिन इंडिया की अब बात करो जब यहाँ की स्टेट कोई लॉज बनाती है कोई पॉलिसी बनाती है तो उसको दिमाग में एक फ्रेमवर्क रखना होगा कि मेरी सोसाइटी किस तरीके की है किस तरीके के लॉज मुझे बनाने चाहिए तो डीपीएसपी वो एज फ्रेमवर्क भी एड वो एक्ट करता है तो आप बोल सकते हो बेसिकली आइडियल्स हैं दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड पॉलिसी ठीक है तो जो वेरियस आर्टिकल्स आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन प्रेजेंट है बेसिकली वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपके आइडियल आपकी सोसाइटी के और उन्ही के बेसिस पे बाद में जो गवर्नमेंट एंड स्टेट है वो लॉज बना के आपके लिए ला सकती है वो मेजरली काम करेंगे आपके वेलफेयर का ठीक है तो जहां पे हम फंडामेंटल राइट बोलते थे फंडामेंटल राइट में यूजुअली बात होती है आपके पॉलिटिकल राइट्स की हम बाद में डिफरेंस भी देखेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लो पॉलिटिकल राइट्स की बात होगी फंडामेंटल राइट में मेजरली ऑल इसमें सोशो इकोनॉमिक की भी बात होती है जैसे आपके राइट टू इक्वालिटी राइट टू फोर्टीन या फिफ्टीन आर्टिकल या सिक्सटीन तो सोशो इकोनॉमिक बात भी होती है लेकिन मेजरली जो फंडामेंटल राइट right है वो रिलेटेड है आपके पोलिटिकल राइट right से एंड जो डीपीएसपी है वो रिलेटेड है आपके सोशो इकोनॉमिक राइट से सोशो इकोनॉमिक राइट से ठीक है ये भी याद रख लेना और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि जो आपका डीपीएसपी है नॉन जस्टिसेबल है मैंने फंडामेंटल राइट के केस में आपको क्या बोला था अगर आपका फंडामेंटल राइट right जो है प्रोहिबिट करती है स्टेट रेस्ट्रिक्ट करती है तो यू हैव गॉट द पावर अंडर आर्टिकल 32 टू आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और अंडर आर्टिकल 226 आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो फंडामेंटल राइट के केस में कि मेरा राइट right जो है वो रेस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट हो रहा है लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं होगा अगर डीपीएसपी आपका सही से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है स्टेट में जो भी डीपीएसपी में आपको मिलते हैं राइट फ्रॉम आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन अगर उसमें से किसी पे भी आपका सही पे काम नहीं हो रहा होगा और आपको लगेगा कि नहीं मुझे जो ये जो मेरा डीपीएसपी है मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ उस केस में आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो ये बस एक फ्रेमवर्क दिया जाता है स्टेट को कैसे आपको लॉज एंड पॉलिसीज लानी है आपके लिए जस्टिसेबल नहीं है आप उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते हो बाय लॉ जैसे फंडामेंटल राइट right के केस में करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये या आपको याद रखना होगा ठीक है ये हो गया थोड़ा बहुत इसका बेसिक अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड uh, की तरफ नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी इन आर्टिकल्स के बारे में आर्टिकल थर्टी सिक्स टू आर्टिकल फिफ्टी वन ठीक है तो हो सकता है आपको वहां से क्वेश्चन आ जाए तो जो डीपीएसपी है इसको हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में आप ऐसे करके याद रख सकते हो पहले जो होते हैं वो बेस बेस्ड होते हैं गांधी प्रिंसिपल्स पे ठीक है जो दूसरे हैं आपके वो हैं बेस्ड सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे एंड थर्ड वन आर योर लिबरल इंटेलेक्चुअल वो लिबरल आइडियाज पे बेस्ड होंगे इंटेलेक्चुअल आइडियाज पे बेस्ड होंगे ठीक है लिबरल इंटेलेक्चुअल तो ये आपके तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो आपके आर्टिकल्स हैं वो भी आपके तीन कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेंगे इनको हम ऐसे कर देते हैं

तो गांधी प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो पंचायत यूजली क्या करते हैं गाँव गाँव से रिलेटेड है आपके विलेज थ्री टीयर गवर्नमेंट जो विलेज की होगी ठीक है तो ये आपको मिल डराइव होता है गांधीयन थॉट से वो बोलते थे हमें विलेजेस को अपलिफ्ट करना चाहिए पूरा जो है सोसाइटी में एक इक्वालिटी लाने के लिए और एक जनरल अपलिफ्टमेंट लाने के लिए हमें विलेजेस से काम शुरू करना चाहिए तो इस वजह से जो आर्टिकल 40 है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है गांधीयन प्रिंसिपल्स सेकेंड इज जो आर्टिकल फोर्टी फोर्टी थ्री इज रिलेटेड टू ए कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है बेसिकली जो आपके घर में वो छोटी छोटी आप काम घर से शुरू करते हो कॉटन वीविंग या कार्पेट मेकिंग का ठीक है या वो मेटल हैंडीक्राफ्ट छोटे टॉयज जैसे बनाना घर में या कोई स्मॉल प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप घर से चला रहे हो तो उनको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं वो भी गांधी थॉट था बेसिकली इस वजह से इसको गांधी प्रिंसिपल में रखा गया है तो वो हुआ आपका आर्टिकल फोर्टी थ्री फिर थर्ड वन इज आर्टिकल फोर्टी थ्री बी ये रिलेटेड टू तो है ये योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? बेसिकली ये पांच से दस मिनिमम टेन पीपल क्या करते हैं अपने जो रिसोर्सेज हैं वो पूल करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद इकट्ठे काम करते हैं और जो बेनिफिट आता है वहां से उसकी इक्वल शेयरिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल फार्म रिलेटेड कोई या विलेज इसमें एग्रीकल्चर में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या करेंगे फार्मिंग का काम दस लोग मिलकर इकट्ठे करेंगे अपने सारे रिसोर्सेज पूल करेंगे उन रिसोर्सेज में क्या हो सकता है अपने स्किल्स अपनी नॉलेज अपने पैसे लगाएंगे इकट्ठे मिलकर काम करेंगे फिर वहां से जो पैसे जनरेट होंगे या प्रॉफिट जनरेट होगा वो इक्वली फिर मेंबर्स में डिवाइड होता है प्रॉफिट शेयरिंग एंड अगर उनके मेंबर्स को जरूरत पड़े तो लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं ठीक है सेपरेट कॉन्सेप्ट है बड़ा आपको उतना डिटेल में नहीं जाना याद रख लो बस कॉपरेटिव सोसाइटी किससे रिलेटेड है आपके आर्टिकल फोर्टी बी से फिर आता है आपका आर्टिकल फोर्टी ये है रिलेटेड टू योर वीकर सेक्शंस वीकर क्शन तो उनकी एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करना वीकर सेक्शन की तो वीकर सेक्शन में कौन से आ गए आपके एस सी एस टीस या और कोई वीकर सेक्शन आपकी सोसाइटी का होगा ठीक है तो वो उनके एजुकेशन इंटरेस्ट वगैरह इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसको प्रमोट करना वो रिलेटेड टू आर्टिकल फोर्टी सिक्स है फिर है फिफ्थ आपका आर्टिकल फोर्टी सेवन वो है प्रोहिबिट करना इंटॉक्सिकेंट्स को मतलब कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स वगैरह एंड ड्रिंक्स

कि जो स्टेट है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों के पास प्राइवेट वेल्थ नहीं होनी चाहिए जो आपके फैक्ट्रीज हैं सोसाइटी में आपके स्टेट uh, में फैक्ट्रीज हैं इंडस्ट्रीज हैं उनका कंट्रोल स्टेट के पास होना चाहिए ताकि वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो खुद से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में कर सके उसकी ये आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल बेसिक है ठीक है तो अब इसके अंडर कौन कौन से आपके आर्टिकल आएंगे आर्टिकल थर्टी ये कहता है प्रमोट करो वेलफेयर ऑफ द पीपल आर्टिकल थर्टी एट प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल ठीक है बेसिकली कहते हैं मिनिमाइज करो जो आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं मिनिमाइज वो आपका में आता है है ठीक फिर के अलग अलग आपको मिलेंगे आप उतना डिटेल में मत जाओ बस आर्टिकल थर्टी एट जो है वो प्रमोट करता है आपके मिनिमाइज करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एंड प्रमोट करता है जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल वो उसकी बात करता है ठीक है फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल थर्टी नाइन ए आर्टिकल थर्टी नाइन ए क्या कहता है आर्टिकल थर्टी नाइन ए कहता है प्रमोट करना इक्वल जस्टिस एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये करता है आर्टिकल थर्टी नाइन ए कि प्रोवाइड करना फ्री लीगल एड टू पुअर जैसे उनका कोई केस हो ठीक है एंड डॉक्यूमेंट्स के जो बनाने में जो पैसे वगैरह लगते हैं उसमें उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड फ्री लीगल एड टू पुअर आर्टिकल थर्टी नाइन ए फिर आता है आपका थर्ड आर्टिकल फोर्टी वन आर्टिकल फोर्टी वन क्या कहता है सिक्योर करना राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या ओल्ड एज अगर अनएम्प्लॉयमेंट है किसी को कोई काम नहीं कर रहा या ओल्ड एज में है या सिकनेस है इन सब जो कैटेगरी के लोग हैं उनकी राइट्स की बातें ठीक है ये आर्टिकल क्या कहता है आर्टिकल फोर्टी वन की राइट टू वर्क और एजुकेशन किन सब कैटेगरीज के राइट टू वर्क इन एजुकेशन अनएम्प्लॉयड जो होंगे या सिकनेस में होंगे ठीक right है उन सबके राइट इन एजुकेशन की बातें ये हो गया आपका थर्ड देन इज योर आर्टिकल फोर्टी टू ये हमने स्पेशलाइजेशन में भी कुछ पढ़ी है ये चीजें ये आपके वहां से भी आपको थोड़ा रिकॉल हो जाएगा अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं आर्टिकल फोर्टी टू आर्टिकल फोर्टी टू क्या कहता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करना एंड सिक्योर करना मेटर्निटी रिलीफ को ठीक है तो मेटर्निटी रिलीफ आपको याद है हमने पढ़ा था आर्टिकल फोर्टी एट में तो ये है बात मेटर्निटी रिलीफ एंड अगर कोई प्रेगनेंट वगैरह होगी तो उनके लिए अच्छे ह्यूमन कंडीशन में काम करवाना तो वो आप मेटर्निटी रिलीफ रिलेट करोगे आर्टिकल फोर्टी टू से वो आपको इसी की वर्ड से याद रह जाएगा फिर होगी आर्टिकल फोर्टी थ्री आर्टिकल 43 का एक कंपोनेंट हमने देखा कॉटेज इंडस्ट्रीज गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 43 का एक कंपोनेंट यहां पे भी है कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देना ऑल वर्कर्स को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल वर्कर्स ठीक है ये हो गया आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स इसमें और एक है अभी यहां पे हम सोशलिस्ट ही करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल करेंगे आर्टिकल आर्टिकल फोर्टी थ्री ए वो कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट सेवेंथ पॉइंट इज आर्टिकल फोर्टी सेवन वो कहता है रेज करना लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आर्टिकल फोर्टी सेवन जो है वो पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है पब्लिक हेल्थ जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड न्यूट्रिशन वगैरह सब इंक्लूडेड है तो ये हुए आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल ठीक है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने देखा अभी तक गांधी प्रिंसिपल देखे एंड हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल देखे गांधी प्रिंसिपल में आर्टिकल फोर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत रिलेटेड फोर्टी थ्री कॉटेज इंडस्ट्रीज फोर्टी थ्री बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ठीक है फोर्टी सिक्स हो गया वीकर सेक्शन के रिलेटेड फोर्टी सेवन इज इंटॉक्सिकेंट्स प्रोहिबिट एंड फोर्टी एट इज उस उसके बाद आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल उसमें आर्टिकल थर्टी एट मिनिमाइज करना इनकम इनक्वालिटी इकोनॉमिक इनक्वालिटीज को थर्टी नाइन ए हो गया फ्री लीगल ए टू पोअर फोर्टी वन हो गया अनएम्प्लॉइड होंगे कोई ओल्ड एज ऑसनेस में होंगे उनका राइट टू वर्क इन एजुकेशन आर्टिकल फोर्टी टू मेटर्निटी रिलीफ एंड आर्टिकल फोर्टी थ्री का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल वर्कर्स अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल वर्कर्स ठीक है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल फिर फोर्टी थ्री ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट एंड फोर्टी सेवन इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वगैरह को इम्प्रूव करना तो ये हुए आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ठीक है आगे चलते हैं हम अब हमें डिस्कस करने हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल थर्ड वन इज योर लिबरल इंटेलेक्चुअल लिबरल इंटेलेक्चुअल में कौन कौन से आते हैं पहले हुआ आपका ये इंपॉर्टेंट है पहला आर्टिकल आर्टिकल 44 आपने न्यूज में सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड वो इसी के रिलेटेड है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली क्या होता है कि एक ही लॉ होना चाहिए जो पूरी कंट्री के लिए ये हो पैन इंडिया लॉ जो पूरी कंट्री में एप्लीकेबल हो जैसे कि मुस्लिम्स में क्या होता है हमारा मैरिज का लॉ अलग है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ठीक है जो हमारा शरिया लॉ के अकॉर्डिंग चलता है हिंदूज का अलग हो जाता है फाइन तो ये क्या कहता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक ही लॉ जो होगा वर्ल्ड वाइड चलेगा फिर चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो डिवोर्स रिलेटेड हो किसी और चीज के रिलेटेड हो तो इसको लेके काफी कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती हैं न्यूज में भी काफी बार आता है तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना होगा आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है फिर आता है आपका आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 कहता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन जीरो टू सिक्स एज ठीक है वो हुआ आपका आर्टिकल फोर्टी फाइव फिर नेक्स्ट इज यर्टिकल फोर्टी एट ठीक है आर्टिकल फोर्टी एट का एक पार्ट हमने गांधी प्रिंसिपल में देखा था स्लॉटर ऑफ काउस के रिलेटेड यहाँ पे है आर्टिकल फोर्टी एट का पार्ट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल फोर्टी एट एनिमल हजबेंड्री लिख लो यहाँ पे ठीक है फिर हो गया फोर्थ आर्टिकल फोर्टी एट ए ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है सेफ गार्ड करना एनवायरनमेंट को ठीक फिर फिफ्थ हो गया आपका आर्टिकल फोर्टी नाइन ये कहता है प्रोटेक्ट करना आपके मोनुमेंट्स जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की जो बिल्डिंग्स वगैरह होंगी उनको प्रोटेक्ट करना ऐसे होता है ना कोई हिस्टोरिकल uh, इंटरेस्ट कोई रेड फोर्ट पे चले जाओ वहां पे ए प्लस आर लिखा हो तो उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना आप वो नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल फोर्टी नाइन एंड योअर सिक्स इज आर्टिकल फिफ्टी आर्टिकल फिफ्टी क्या कहता है सेपरेट करना जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कि आपका जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो और जुडिशरी जो है उनको सेपरेट करना आपस में जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ठीक है फिर आगे आपका सेवेंथ पॉइंट सेवेंथ पॉइंट है आर्टिकल फिफ्टी वन आर्टिकल फिफ्टी वन कहते हैं प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस तो ये हो गया आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल लॉस ठीक है अब हम देखते हैं ये जो चेंजेस आई हैं कुछ फंडामेंटल कुछ इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई थी जिनके थ्रू कुछ हमने ऐड किए थे नए हमारे डीपीएसपी वो अमेंडमेंट कौन कौन अमेंडमेंट से क्या क्या डीपीएसपी आया था वो आपको याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो एग्ज़ाम के लिए अगर आप सेपरेट सारे आर्टिकल्स याद नहीं रखो पर एटलीस्ट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप उतना तो बेसिक मिनिमम जो है करके जाओगे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सा आपका आर्टिकल आया था वो आप याद रखो ठीक है तो वो हम देखते हैं क्या क्या है वो आप नोट डाउन कर लो फोर्टी कौन -कौन था आर्टिकल थर्टी नाइन ए जो क्या करता है फ्री एंड लीगल ए टू पोअर ठीक है एंड आपका आर्टिकल फोर्टी थ्री ए जो क्या करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट फिर आर्टिकल फोर्टी ए जो क्या करता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट जो हमने अभी बात की थी ठीक है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की बात जहां पे हुई थी अभी ये फोर्टी ठीक ये तीन जो है ये ऐड किए गए फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन से फिर एक और अमेंडमेंट एक्ट आया था एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू ये हमने पहले भी डिस्कस किया इससे ऐड हुआ था आर्टिकल 45 में कुछ चेंजेस लाई गई थी ठीक है एक तो चेंजेस लाई गई थी आर्टिकल 45 में और आर्टिकल 21 ए लाया था जिसको राइट टू एजुकेशन हमने एक फंडामेंटल राइट बनाया था ठीक है फिर आपका आया था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 जिसने लाया था आपका आर्टिकल 43 बी ये याद रख लेना देखो कैसे याद रखो आप ये सेकंड आर्टिकल 43 बी बी के बाद क्या आता है सी तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इससे आया था तो अगर आप सेपरेटली सारे आर्टिकल्स इतना आप नहीं चाहते याद रखना ऑल्दो आई डोंट सी अ पॉइंट कि आप क्यों नहीं याद रखोगे बिकॉज एग्जाम में अभी भी अभी भी टाइम टाइम है डेट नहीं आई यू स्टिल हैव आप चाहो तो याद रख सकते हो अगर नहीं भी रखना चाहते फिर मैं क्या ही करूं लेकिन एटलीस्ट ये जो बेयर मिनिमम है ये करके जाओ किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ था ये सारी चीजें आप याद रखो ठीक है तो ये आपका डीपीएसपी पी एस पी हमें यही पे स्टॉप करते हैं बेसिक बेसिक चीजें हमने पढ़ाई हैं तो याद करने में इजी है इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है सारी चीजें आप याद रखोगे तो एक और बात अगर अभी तक आप जागे हो या आपको नींद नहीं, नहीं पड़ी है लेक्चर में तो आपको याद होगा मैंने कहा थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन आपके हैं डीपीएसपी लेकिन हमने थर्टी सिक्स एंड थर्टी सेवन डिस्कस नहीं करे हैं आर्टिकल्स तो मैं आपको जल्दी बता देती हूँ वो क्या होता है बेसिकली थर्टी सिक्स क्या करता है वो डिफाइन करते हैं आपके टर्म स्टेट को और कहता है कि आर्टिकल ट्वेल्व में जो डेफिनेशन थी स्टेट की फॉर पार्ट थर्ड दैट इज अ फंडामेंटल राइट वही सेम डेफिनेशन वही सारी जो एंटिटीज हैं वो इंक्लूडेड हैं स्टेट में फॉर पार्ट फोर्थ एज वेल ठीक है दैट मीन डीपीएसपी फंडामेंटल राइट जो जिस बॉडी को एज स्टेट मानता है डीपीएसपी भी उसी सेम बॉडीज को एज स्टेट मानेगा एंड थर्टी सेवन आर्टिकल कहता है कि जो डीपीएसपीज हैं आपके वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है जैसे मैंने कहा वो नॉन जस्टिसेबल है तो आप इनको जबरदस्ती एनफोर्स नहीं करवा सकते तो ये बोलते कि मेरा डीपीएसपी वायलेट हो रहा है ठीक है तो ये हुआ आपका थर्टी सिक्स टू फोर्टी वन एक बार क्विक हम रिवाइज कर लेते हैं साथ में जितना हमने अभी तक पढ़ा तो डीपीएसपी हमने देखा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्योंकि इंडिपेंडेंस में हमारी ऐसी हालत थी वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान देना बनता था इस करके पार्ट फोर्थ में हमने ये ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन डीपीएसपी जो है वो भी उसकी भी रिजेम्बलेंस है आपके डीपीएसपी के साथ ठीक है फिर हमने देखा कि आ, इसके फीचर्स देखे कि आइडियल्स हैं जो स्टेट को दिमाग में रखने होते हैं वाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड पॉलिसीज और हमने देखा फंडामेंटल राइट्स जो हैं जैसे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं आपके डीपीएसपी क्या है सोशो इकोनॉमिक राइट्स नॉन जस्टिसेबल हैं दैट मींस आप इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते हो लाइक फंडामेंटल राइट जो आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल थर्टी एंड हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल टू फिर हमने कहा इनको हम इजी प्रोसेस के लिए याद करने के लिए कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरीज में गांधीयन सोशलिस्ट एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल गांधीयन में आर्टिकल 40, 43, 43 बी 46, 47, 48, 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत ऐसे याद रख लो फोर्टी ओ दूसरा जीरो ओ से फिर ओ ऑर्गेनाइजेशन का तो पंचायत ऐसे करके कुछ याद रखो 43 थ्री कॉटेज इंडस्ट्रीज 43 बी का याद रख लो बी के बाद सी आता है कॉपरेटिव सोसाइटीज 46 सिक्स इज वीकर सेक्शन जैसे आपका एस सी एस टी ठीक है तो कुछ भी करके आप बना के सोच के याद रख लो फोर्टी सेवन इज यूर इंटॉक्सिकेंट शराब वगैरह नशा वो नहीं करना फोर्टी एट इज योर स्लॉटर ऑफ काउस फिर सोशलिस्ट में आ गया थर्टी एट थर्टी एट आर्टिकल प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ पीपल को मिनिमाइज करना इकोनॉमिक या इनकम इनइालिटीज थर्टी नाइन ए हो गया लीगल ए टू द दुअर फोर्टी आर्टिकल फोर्टी वन हो गया जो आपके अनएम्प्लॉयड ओल्ड या सिकनेस है उनको राइट टू वर्क देना इन एजुकेशन फोर्टी टू मेटर्निटी रिलीफ एंड फोर्टी थ्री आर्टिकल का एक पार्ट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल वर्कर्स फिर अभी ऐसे यही कंटिन्यूड है ए हो गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स उनको जो कंपनी की मैनेजमेंट है वर्कर्स को लेबरर्स को उसमें पार्टिसिपेट करवाना फोर्टी सेवन रिलेटेड टू ए पब्लिक हेल्थ फिर आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल में आर्टिकल फोर्टी फोर हमने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड फोर्टी फाइव अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड फोर्ट एट एनिमल हस्बेंड्री इसका फोर्टी एट का एक पार्ट हमने गांधी में देखा था स्लॉटर ऑफ काउस फोर्टी एट ए हो गया एनवायरमेंट सेफ गार्ड करना फोर्टी इज प्रोटेक्ट करना मॉनूमेंट वगैरह को किसी भी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग पे कोई इंपॉर्टेंट हेरिटेज हमारे हेरिटेज कल्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वहां जाके ए प्लस आर ऐसी सारी चीजें नहीं लिखना आर्टिकल फिफ्टी सेपरेट करता है जुडिशरी जो आपकी जुडिशरी है ये वाली बॉडी को टू एग्जीक्यूटिव के साथ सेपरेट करता है एग्जीक्यूटिव होती है जो आपकी लॉ इंप्लीमेंट करती है ठीक है फिर फिफ्टी वन हो गया आपके प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस फिफ्टी वन ऐसे याद रख लो वन आई जैसा लगता है ना ये तो आई से इंटरनेशनल ठीक है ऐसे करके याद रख लो तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके सारे जो ये हैं डी फिर हमने देखा किस किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने कौन कौन से डीपीएस लाए थे फोर्टी सेकेंड से आर्टिकल थर्टी नाइन ए फोर्टी थ्री ए एंड फोर्टी एट ए एट्टी सिक्स से फोर्टी फाइव में कुछ चेंजेस लाई थी 97 से हमने 43 थ्री बी लाया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज ठीक है तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका डीपीएसपी आप अब हम थोड़ी डिफरेंसेस देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आपका डिफरेंसेस का आ गया फंडामेंटल राइट right और डीपीएसपी का आपको आंसर कर पाने चाहिए तो क्या बेसिक छोटी छोटी डिफरेंसेस है ये हमने अगर आपने ध्यान से मेरा लेक्चर देखा है और फंडामेंटल राइट्स आपके क्लियर है तो ये डिफरेंसेस समझने में आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा तो क्या डिफरेंसेस है ये आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए ये आपके डी हो गए पहली बात ये जस्टिसबल है ये नॉन जस्टिसेबल है ठीक है ये आपको प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये आपको प्रोवाइड करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये नेगेटिव है इन कैरेक्टर ये पॉजिटिव है इन कैरेक्टर मैंने नेगेटिव पॉजिटिव आपको पहले भी लेक्चर्स में काफी बार बोला है जब हम किसी चीज को नेगेटिव बोलते हैं मतलब ये है, ये एब्सेंस ऑफ स्टेट स्टेट एक्शन है को रोकती है कोई एक्ट करने से है ना स्टेट के अगेंस्ट आपको कुछ राइट देती है जो स्टेट प्रोहिबिट नहीं कर सकती है लेकिन ये पॉजिटिव है दैट मीन स्टेट को इन पे काम करना है पहली स्लाइड पे याद करो कि आइडियल्स हैं जो फ्रेमवर्क देती हैं आपकी स्टेट को कि कैसे लॉज आपको अपनी स्टेट में लेके आने हैं पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इन कैरेक्टर ठीक है तो जो आपका ये है ये ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाते हैं फंडामेंटल राइट के हमें पता ही है, हमें राइट right मिला हुआ है ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, और ये वाले हैं दे आर नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्सड क्योंकि इनको लेके आपको लॉ बनाने पड़ते हैं अब आप खुद ही सोचो कॉमन सेंस की बात है इनको क्यों नॉन जस्टिसेबल रखा गया क्योंकि इसमें वो वाली चीजें भी हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं जैसे आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर वो इम्पलीमेंट हो गया उस बात पे हो सकता है कंट्री में हो सकता है कि डेफिनेटली कंट्री में काफी ज्यादा कंट्री वाइड एजुकेशन प्रोटेस्ट होने के चांसेस हैं तो वो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं ठीक है तो वो आप डायरेक्टली अगर वो एफ में रखोगे फंडामेंटल राइट में रखोगे तो अगर किसी को भी लगेगा वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ मेरा राइट कोई जो है प्रोहिबिट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को उस पर काम करना होगा इसीलिए इन कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों को जो ऑल दो इंपॉर्टेंट है लेकिन आप उनको ऐसे फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते उस पर बाद में बात कर सकते हो वो डीपीएसपी में रखा हुआ है सिमिलरली हमने फोर्टी में पढ़ा स्लॉटर ऑफ काउस अब हमें पता है एक कम्युनिटी है वो कंज्यूम करती है एक कम्युनिटी है वो कंज्यूम नहीं करती है अब अगर आप इसको डीपीएसपी नहीं रखते या डीपीएसपी को भी जस्टिसबल बनाते तो सोचो इस बात पे भी कितने प्रोटेस्ट होते लोग सुप्रीम कोर्ट जाते कई लोग जाते कि हमें स्लॉटर करने दो कई लोग जाते कि नहीं हमारा रिलीजियस राइट जो है वो इसमें प्रोहिबिट हो रहा है ठीक है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके वो राइट जो अल दो आपके वेलफेयर के लिए आपके सोशो इकोनॉमिक राइट के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आप उनको फोर्सफुली ये नहीं करवा सकते हो कंट्री में लागू नहीं करवा सकते उनको किसमें रखा गया डीपीएसपी में ठीक है तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आपका डी पी हो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो सारा फैक्चुअल कॉन्सेपच्चुअल तो हमारा जो नेक्स्ट चलेगा पोर्शन हम फंडामेंटल uh, ड्यूटीज़ देखेंगे तो हम क्विकली देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसमें आपका क्वेश्चन ऐसा तो मुझे नहीं लगता आएगा कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी पूछा जाए कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उसके जो आपको याद रखने हैं हमें अगर राइट्स मिले हुए हैं करने के लिए जो हमें राइट्स एंजॉय करने के लिए मिले हुए हैं तो साथ में हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें परफॉर्म करनी है ठीक है वही कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का तो टेन इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास आप फंडामेंटल ड्यूटी सेपरेटली याद रखने की जरूरत नहीं है बस इसका कुछ बेसिक बेसिक आप याद रख लो पहला कि हमने बोरो कहां से किया है ये फर्स्ट फाइल यूएसएसआर से जो बाद में सेपरेट होकर अलग अलग कंट्रीज बना ठीक है सेकेंडली इसकी जो टेन फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो रेकमेंड की थी आपकी सिंह कमेटी ने ये पांच छह फैक्ट्स ही हैं इसके बस आपको यही याद रखने सिर्फ स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किए थे टेन बाद में जो इलेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई थी तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या किया ऐड किया पार्ट फोर ए टू द कॉन्स्टिट्यूशन और एक आर्टिकल लाया आर्टिकल फाइव फिफ्टी वन ए जिसके अंडर क्या आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज तो टेन महीने का स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की जो इलेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटीज है दैट इज रिलेटेड टू योर एजुकेशन वो लाया था अमेंडमेंट एक्ट से कि पेरेंट्स जो हैं दे हैव द राइट टू एजुकेट दे चिल्ड्रन दे हैव टू एजुकेट दे चिल्ड्रन वो उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है दे हैव टू एजुकेट दियर चिल्ड्रन ठीक है ये हो गया और इसमें और एक कमेटी आप याद रखोगे वर्मा कमेटी वर्मा कमेटी ने क्या किया इसने आइडेंटिफाई किए कुछ लीगल प्रोविजंस लीगल प्रोविजंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें इंडिया के फ्लैग को इंडिया के नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट करना है हमें फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है तो इसी के बेसिस पे वर्मा वर्मा सिंह कमेटी ने क्या वर्मा कमेटी ने क्या किया था कुछ आइडेंटिफाई किए थे लीगल प्रोविजन तो इसी बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल हम चाहे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट ना करें डिसरिस्पेक्ट ना करें नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट ना करें इसको प्रिवेंट करने के लिए एक्ट लेके आए थे नेशनल ऑनर नेशनल ऑनर एक्ट 1971 नेशनल ये क्या करता है प्रिवेंट करता है किसी भी काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट की कि आप अपने फ्लैग को एंथम को या अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरेस्पेक्ट ना करो नेशनल ऑनर एक्ट 1971 ठीक है तो ये हुआ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज सेपरेटली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इलेवन ड्यूटीज हैं करंटली हमारे पास इसको बोरो किया गया था यूएसएसआर और जो पहले यूएसएसआर था एक बाद में ब्रेक होकर अलग अलग कंट्रीज बन गया हमारे पास इलेवन है तो टेन रेकमेंड किया है स्वर्ण सिंह कमेटी ने और इनकी रिकमेंडेशन पे हमने लाया था फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन जिसने ऐड किया था पार्ट फोर ए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल लेके है, आर्टिकल फिफ्टी वन ए तो इलेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी लाई थी एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू जिसने कहा पेरेंट्स हैव हैव द राइट पेरेंट्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन ठीक है और इसी एटी अमेंडमेंट एक्ट हमने और कहाँ पढ़ा आर्टिकल ट्वेंटी वन ए बी ए लेके आया था राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट right बनाया और चेंजेस लाई आर्टिकल फोर्टी फाइव में वो भी आपके एजुकेशन के रिलेटेड ही है ठीक है और वो क्या है आपका डीपीएसपी तो ये चीजें याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है बार बार आप देखते हो और आपका हुआ वर्मा सिंह कमेटी ठीक है वर्मा कमेटी वर्मा कमेटी ने क्या कहा लीगल प्रोविजन दिया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे कि नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जिसको लाया गया था प्रिवेंट करने के लिए किसी भी काइंड ऑफ इंसल्ट या डिसरेस्पेक्ट टू योर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग और नेशनल एंथम ठीक है तो ये हुआ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी यहाँ पे कवर तो हमने क्या देखा आ, आपका पार्ट थ्री किससे रिलेटेड है आपके फंडामेंटल राइट right से ठीक है पार्ट फोर हो गया आपका डीपीएसपी एंड पार्ट फोर ए हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज ये हो गया आपका आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव ये हो गया थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन और ये हो गया आपका फिफ्टी वन ए तो इसके साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन ले लो सारा रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे डाउट पूछ सकते हो अब हम जल्दी हमारा क्या कौन सा वाला कॉम्पोनेंट डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट हम आई गेस हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ठीक है तो इसके साथ ही आपका जीके वाला पार्ट जो वो भी आई से ऐसा कवर हो जाएगा तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव ए ग्रेट डे